सो बाय द वे इट्स डे सेकंड और आप लोग पहले वाले सीरीज देख सकते हो, आई कार्ड आ रहा होगा इधर। तो अभी हमारा टाइम पे और हमारा ड्रोन 1150 रुपए में लिया था, 1150 रुपए में लिया था, 360 व्यू देख लो। और ये मैं इधर खड़ा हूँ लाइट के साथ। तो अभी ड्रोन चालू है होपफुली तो कल का दिन काफी खराब गया था। कल का दिन मैं बता नहीं सकता आपको, उससे पहले मैं बाहर का एक बार व्यू दिखा देता हूँ। तो ये है व्यू, 9:30 बज रहे हैं। तो कल का दिन यार काफी खराब था और आज तो अच्छा रहना चाहिए यार। ड्रोन क्रैश हुआ, डेटा मतलब कि कॉपी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया कल रात को, तो समझ ही नहीं आया अभी तक। तो अभी सब हो स्टार्ट, उससे पहले अपन ड्रोन शॉट लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकल जाएंगे आगे। तो ये वाला अपना स्विच स्टैंड था रात को, तो अभी मैं ग्लव्स इसलिए नहीं पहन रहा हूँ एक हाथ में, जिससे मैं मेरा कैमरा मेरा चालू कर पाऊँ। तो थोड़ा मैप से भटक गए थे हम, तो अब मैं सही रास्ते पे आ गया हूँ। तो यार तुम ऐसा देखो ना, सीरियसली ऐसा लग रहा है मैं लद्दाख में हूँ। ऐसे खाली रोड कुछ नहीं है चारों तरफ, बस यहाँ पे कमी है पहाड़ों की, बहुत सारे जो लद्दाख में है। वो हाई डेजर्ट है, ये नीचे वाला डेजर्ट है। विंड मिल देखो आप वापस तो लास्ट वीडियो में अगर आपने विंड मिल नहीं देखे हैं तो आई कार्ड आ रहा होगा, जाके देखो एक बार, मस्त था। ड्रोन शॉट लिया था, मेरा ड्रोन भी क्रैश हुआ था वहाँ पर। तो अब ये देखो जगह, तो आप चारों तरफ विंड मिल कितनी सारी है यहाँ पे, हॉलीवुड का सीन लग रहा है पूरा। दिस इज अमेजिंग यार, ऐसा लग रहा है ड्रोन शॉट ले डालूं यहीं पे, बट अभी आगे चलना है, लेट बहुत हो जाएंगे और वेदर भी थोड़ा अजीब सा हो रखा है। मज़ा आ गया। बहुत सारे हैं। तो अभी आपको बता ही दिया हम लोंगे वाला जा रहे हैं। लोंगे वाला की स्टोरी अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पे देख लेना, इतना मुझे नहीं पता बट मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। जब पाकिस्तान से इंडिया का हुआ था लड़ाई वड़ाई कुछ, तो पाकिस्तान ने जब अटैक किया था तो इंडिया वो वॉर जीता था, और उसके अंदर जो उनके तोपे और गाड़ियाँ वगैरह सब पाकिस्तान यहीं छोड़ के चले गए थे, तो वही वहीं पर है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वो आपको दिखाएंगे हम लोग, टैंक वगैरह। ओ
व्यू देखो आप, क्या प्यारी रोड है। ऐसा लग रहा है मैं नुब्रा वैली के अंदर गाड़ी चला रहा हूँ, लद्दाख में है नुब्रा वैली बाय द वे। तो गैस करो ये रूट कितनी लंबी होगी। मेरे को तो काफ़ी स्ट्रेट दिखा रही है, अराउंड 5-10 किलोमीटर की तो होगी ये स्ट्रेट। तो अभी अभी हम दोनों ने यहीं पे पिक्चर्स लिए पीछे इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए। देखना आप, इंस्टाग्राम का आईडी भी मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा और नेक्स्ट राइड की भी मैं वहीं पे अपडेट देता रहूँगा, तो जाके फॉलो करना मेरे को और मैसेज करना मेरे से कुछ काम हो तो। अभी इंडियन आर्मी ना होती तो आज अपन ये सब चीज़ें नहीं देख पाते, शायद कैप्चर हो चुका होता। तो यार रिस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी। अब आ गए हम हाईवे पे। तो इस वाले हाईवे से जहाँ से हम आए हैं, यहाँ से बहुत कम लोग आते होंगे आई गेस। जब समन ड्यून्स के अंदर रुकोगे आप तभी ये वाला दिखाएगा आपको, तो मुझे रिफ्यूल करवा लेना चाहिए, आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा। रामगढ़ यहाँ से 18 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर के बाद इंडिया का लास्ट पेट्रोल पम्प आएगा रामगढ़ के अंदर, तो वहीं पर आज फ्यूल करवाएंगे अपन फिल। तो रामगढ़ से जस्ट 2 किलोमीटर पहले हूँ मैं, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पर फ्यूल अप करवा लेता हूँ, बिकॉज आगे भी मिल जाएगा पेट्रोल तो रामगढ़ में, उसके आगे नहीं मिलेगा। तो अभी मौका मिल रहा है तो डलवा लिया जाए। तो अभी मैंने फ्यूल अप करवा लिया 500 रुपीस का, और तो इसके आगे एक और पेट्रोल पंप है लेफ्ट हैंड साइड में आई गैस, या राइट हैंड साइड में, वो लास्ट पेट्रोल पंप होगा। और उसके बाद आपको यहाँ से जाना है स्ट्रेट, और अभी 30-40 किलोमीटर और है लोंगे वाला, और टनोट माता मंदिर वहीं पे आसपास हैं, तो दोनों जगह होके आएंगे अपन। और बीच में अब ड्यून्स वगैरह भी आएंगे इसके बाद, तो देखते हैं कैसे रहते हैं ड्यून्स वगैरह। ड्रोन शॉट अगर लेने की जगह मिली तो पक्का देंगे। टनोट माता मंदिर है 54 किलोमीटर्स और लोंगे वाला 43 किलोमीटर। रामगढ़ ये रहा वो लास्ट पेट्रोल पम्प भारत पेट्रोलियम, रिफ्यूल करवा लेना बिकॉज जाते वक्त भी आपको पेट्रोल चाहिए होगा। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है टैंक की तो चलेगा। और यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता, लाइक वोडाफोन थोड़ा बहुत दिखा रहा है और जियो पूरा जा चुका है। रामगढ़ तक नेटवर्क है थोड़ा बहुत, उसके बाद नहीं है, जियो नहीं है यहाँ पे। स्पीड ब्रेकर्स तो इतने हैं ना भैया, दिखते भी नहीं है ऐसी रूट पर। रेगिस्तान के बीच में नदी कहाँ से आ गई भाई, जो भी है बड़ी अच्छी लग रही है। चल पंजाब में ऐसी होती है यूजुअली, जो भी है बढ़िया लग रही है। अभी तक तो सिर्फ रेत रेत दिखने को मिला था, पानी देखने को मिला। सन्नी पाजी याद आ गए आज तो बॉर्डर मूवी वाले, ऐसे होता है ना सीन बीच में, ऐसी जगह पे टैंक चल रहा होता है और धूम धूम शानदार। अच्छा हुआ मैंने हिमाचल के ट्रिप स्किप किया। देखो यार क्या बात है यार, आगे थोड़ा और ड्यून्स आएंगे तब और मज़ा आएगा। अभी रेत रोड पे नहीं है, रोड पे होगी तब ज़्यादा मज़े आएंगे स्नो की तरह। खाली खाली है सब कुछ यहाँ, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अपनी शक्ति दिखाती गई, ठीक है सर।